हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, ये है पार्ट टू ऑप्टिकल शॉप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का, जिसे मैं vv.net में बना रहा हूँ। तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस पार्ट टू में हम क्या करने वाले हैं, हमने तो पार्ट वन में तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर लिया था, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था, लॉगिन फॉर्म भी कैसे बनाया था वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप उसे देख लो। और यहाँ पे मैं आपको लॉगिन बताने वाला हूँ कि लॉगिन आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली लॉगिन कई सारे तरीके से होती हैं, जैसे कि एक जो लॉगिन होता है सिंपल विदाउट डेटाबेस, बस आपको इफ़ और इफ़ इल्स कंडीशन में आपको दे देना है कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। या तो अगर आप डेटाबेस से करते हैं तो डेटाबेस में भी कई सारे टाइप हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि सारे टाइप को मैं कवर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म है। तो जो फॉर्म होता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है कलेक्शन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। किसी भी फॉर्म में मल्टीपल कंट्रोल आप उसमें रखते हैं या होते हैं, ठीक है, और आप उन कंट्रोल में क्या करते हो, वैल्यू इंटर करते हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जब भी आप अगर आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। तो उस फॉर्म में क्या होते हैं, आपको कई सारे बॉक्सेस बने होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, रेडियो बटन या रेडियो बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ये होते हैं, और टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बनी होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे लिखा होगा इंटर योर नेम, तो आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना है। जहाँ पे आपको लिखना होगा एड्रेस, तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। तो क्या है, वो भी एक फॉर्म है। उस फॉर्म पे क्या है, कंट्रोल बने हुए हैं, और उन्हीं कंट्रोल में आपको अपनी वैल्यू इंटर करनी है। तो ये क्या है, फॉर्म है। यहाँ पर दो कंट्रोल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसी अगर मैं रन करूँ, तो ये लॉगिन फॉर्म ओपन होके आ गया। ओके, तो अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कुछ इस पर लिखा भी नहीं है, और ना ही मैंने ओके जो बटन है इस पर मैंने कोई कोड भी नहीं किया है, ठीक है। मान लीजिए कुछ वैल्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जो पहला मेरा जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने इस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, कि अगर कंट्रोल इम्पटी हो, मान लीजिए आपका यूज़र नेम इम्पटी है, पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया, अब जब भी मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, तो आपको यहाँ पर एक मैसेज मिले कि आपका जो यूज़र नेम है वो क्या है, वो इम्पटी है। तो सबसे पहला काम आपको कंट्रोल को वैलिडेट करना है। तो इस फॉर्म पे करेंगे डबल क्लिक, तो आगे बटन के क्लिक मिनट पर। तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है, इफ़ कंडीशन। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ़ हमारा जो कंट्रोल है वो क्या है, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये कंट्रोल है, अगर ये कंट्रोल मान लो हमारा इम्पटी होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको लिखना है मैसेज बॉक्स। तो चाहे तो आप MSG बॉक्स करो, या पूरा का पूरा मैसेज बॉक्स करो, ठीक है, मैसेज बॉक्स तो बनना ही बनना है। ओके, मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैसेज बॉक्स क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स होता है, जिसमें आप नोटिफिकेशन, एक मैसेज आप यूजर को शो करोगे, उसके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होकर आएगी, वहाँ पर जो भी आप मैसेज दिखाना चाहते हो आप उसमें राइट कर दोगे, तो वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए, मैसेज बॉक्स तो आपने लिख लिया, अब ये फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है। तो डबल कोटेशन में आपको जो नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगा यूज़र को, वो लिखना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ इंटर योर यूज़र आईडी टू लॉगिन। ओके, लॉगिन के लिए आपको अपना यूज़र आईडी यहाँ पे इंटर करना होगा। चलिए, अभी मैंने एक का लिख दिया यहाँ पे, इसे मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, अब इसे मैंने रन किया। ओके, तो मान लीजिए अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर नहीं किया टेक्स्ट बॉक्स में, और जब मैं ओके बटन पे करूँगा क्लिक, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो विंडो ओपन होके आई है, जहाँ पे लिखा है प्लीज़ इंटर योर यूज़र आईडी। तो ये जो विंडो है, ये है मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर ये जो आप मैसेज आप देख रहे हो, ये क्या है, ये वही मैसेज है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है इस। ओके, यहाँ पे जो आपने मैसेज दिया हुआ है, ये वही मैसेज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज बॉक्स आ रहा है, इस मैसेज बॉक्स के ऊपर इस फॉर्म का भी एक टाइटल हो, ठीक है, इस फॉर्म का भी एक टाइटल हो। तो वो कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है छोटा सा एक कॉमा देना है, कॉमा के बाद फिर से आपको लगाना है डबल कोटेशन। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, तो मान लीजिए मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑप्टिकल शॉप, ठीक है, ऐसे कुछ करके सॉफ्टवेयर कर दीजिए, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब आप इसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे।
अब इसमें होगा क्या, जो पहला जो आपने लिखा है डबल कोटेशन के अंदर, ये तो आपका मैसेज होगा जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, और जो वो विंडो ओपन होकर आएगी मैसेज बॉक्स का डायलॉग बॉक्स, उसका जो टाइटल होगा वो होगा ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर। तो चलिए इसे एक बार हम सेव कर लेते हैं और एक बार मैं आपको इसे रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रन किया, तो मैंने इसे रन किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैसेज बॉक्स है इसका जो टाइटल है आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्टिकल शॉप सॉफ्टवेयर, और जो मैसेज आपने दिखा था वो मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब अगर आप यहाँ पे यूज़र नेम को क्या कुछ वैल्यू दे देते हो, ओके पे क्लिक करोगे, तब ये मैसेज आपको नहीं शो होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कंडीशन क्या लिखा है कि अगर यूज़र नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इम्पटी होगा तो आपको ये मैसेज तब देना है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले तो मैंने इम्पटी कर दिया, खाली कर दिया, अब इसे मैं ओके करूँगा तब ये आपको ये मैसेज देगा। तो अब तो यूज़र नेम हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद एक काम यहाँ पर करेंगे, इसमें हमें क्या चाहिए, एक यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, आपको लगाना बाहर आना है, कॉमा दिया। अब यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स जो बटन होगा वो कैसा बटन होगा, तो मैसेज बॉक्स कई सारे बटन हैं यहाँ पर, आप कॉमा लगाओगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लेता हूँ मैसेज बॉक्स ओके बटन। ओके बटन के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैसेज बॉक्स आइकॉन, तो यहाँ पे डॉट, सॉरी, आपको फिर से यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब आपको क्या लिखना है, मैसेज बॉक्स आइकॉन, कैसा आइकॉन होगा, एरर होगा। क्यों एरर होगा? क्योंकि आपका पासवर्ड तो मैच कर नहीं रहा है, आप इसे सेव कर लो। तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका मैसेज, और जो आपने लिखा है ओके बटन, तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स पर सिर्फ आपको एक एक ही बटन मिलेगा, उसका नाम होगा ओके बटन। ऊपर आपका टाइटल हो गया। अब यहाँ पर आपने लिखा मैसेज बॉक्स आइकॉन एरर, तो ये जो आप देख रहे हैं एरर वाला सिंबल, ये आइकॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, यूजर ने मैच नहीं करना, या फिर इम्पटी है। और एरर के साथ यहाँ पर आपको एक ट्यून भी सुनाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे, एक म्यूज़िक भी आपको, एक बीप अलर्ट से साउंड होगा वो भी आपको सुनाई देगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे, ये तो बात हो गई आपके टेक्स्ट बॉक्स की, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, यूज़र नेम। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स है ना, फोकस वहाँ पर आ जाए, डॉट फोकस मेथड जो होगा वो हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो फोकस का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आप यहाँ पर आ जाते हैं, इसे रन किया मैंने, ओके, तो अभी के लिए मैंने इस पर क्लिक किया तो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर, और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो जो कर्सर होगा फिर से इसी टेक्स्ट बॉक्स में वो आ जाएगा। ओके, तो अब तो ये तो हो गया यूज़र नेम के लिए। अब हम चलेंगे सेम टास्क हम करेंगे पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए अब हम क्या करेंगे, तो ये तो इफ़ कंडीशन था, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इल्स इफ़। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास और है, इल्स इफ़ में क्या लिखना है आपको, आपको देना है पासवर्ड, उस कंट्रोल का नाम। तो ये है पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट, इसका जो टेक्स्ट होगा अगर ये क्या होता है, इम्पटी होता है, फिर आपको इंटर करना है। देन इसके बाद आपको फिर से यही जो मैसेज बॉक्स है आपको ये कॉपी कर लेना है, इस तरह से मैंने किया कॉपी, और यहाँ नीचे आपको इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको देना है प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। ठीक, इस तरीके से आप इसे सेव कर लेंगे, बाकी सारा का सारा सब कुछ सेम होगा। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो फोकस हो वो कहाँ पर आ जाए, वो आ जाए पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो डॉट यहाँ पे फोकस आपको जो मेथड है ये आपको यहाँ पे कॉल करना है। चलिए अब क्या होगा, अब इसे एक बार फिर से हम आपको रन करेंगे। ओके, तो अभी के लिए अगर दोनों खाली हैं तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया एडमिन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कह रहा है प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका यहाँ पे वो इम्पटी है। अब जब आप दोनों में वैल्यू इंटर कर दोगे तो कोई एरर ही नहीं। ठीक है, तो अभी आपने ये जो कोड लिखा है, इस कोड के थ्रू आप इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट कर पा रहे हो कि इसमें वैल्यू है या ये इम्पटी है। ओके, अब एक तरीका और भी है, एक तरीका ये है, अब इसमें तो आपको कई सारे लाइन यहाँ पर लिखना पड़ता है। अच्छा, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस पर भी चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो गया इल्स इफ हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें चलना है इल्स पार्ट, इसका क्या होगा, जो इल्स पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे, ये लिया मैंने इल्स पार्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या करना है, तो हम चलेंगे ज़रा सा अपने मॉड्यूल में चलेंगे। तो यहाँ पर मॉड्यूल में आ गए, तो यहाँ पे मॉड्यूल में आपने देखा ये जो आपने ये क्रिएट किया हुआ है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आप ये कनेक्शन देख रहे हो, इससे आप यहाँ से
हम इसे कट कर लेते हैं। हम यहीं पर क्या करेंगे, इसे ये लगाया और यहीं पर हमने ये वैल्यू, सॉरी ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसे हम सेव कर लेते हैं, ठीक है ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना जो कनेक्शन है उसे हमें करना है ओपन। तो कनेक्शन क्या है हमारा, तो हमारा जो कनेक्शन है आपको क्या लिखना है, कॉन डॉट ओपन मेथड के थ्रू आप कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्शन आपका ओपन हो गया। इसके बाद अब आपको क्या बनाना है, आपने यहाँ पे मॉड्यूल में यहाँ पे क्रिएट कर रखा है सी एम डी, तो सारे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कमांड। तो सी एम डी इज इक्वल टू आपको चाहिए न्यू ओले डी बी कमांड। अब यहाँ पर इसको हमें क्या पास करना है, दो चीज़ पास करना है, पहला क्वेरी पास करना है और जो दूसरा होगा वो होगा कनेक्शन। तो ये आपको ऑर्डर भी सही से रखना है, पहले आपको क्वेरी देनी है फिर दूसरा आपको कनेक्शन। तो क्वेरी में क्या देना है आपको, तो हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है ना, तो हम डेटाबेस में चेक कर रहे हैं कि ये जो बंदा वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं वो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। तो सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, सब कुछ कर लो यार, दो ही तो फील्ड है उसमें डेटाबेस में, यूज़र नेम पासवर्ड। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इट्स एफ आर ओ एम, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है आपके, लॉग इन कंडीशन, वेयर क्या है आपका, यूजर नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर नेम ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके टेक्स्ट बॉक्स से। तो आपको कंट्रोल का नाम देना है, तो कैसे देंगे उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे आपको, तो कंट्रोल का नाम आपको कैसे यहाँ पे देना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैसे आपको देना है कंट्रोल का नाम। यूजर जो नेम होगा वो होगा सिंगल कोटेशन के बीच में आपको लिखना है डबल कोटेशन, और इस डबल कोटेशन के बीच में आपको लगाना है डबल प्लस, यहाँ पर आपको लिखना है कंट्रोल का नाम। तो कंट्रोल है यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट, इसका जो टेक्स्ट होगा ये आपका यूजर नेम होगा। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ना तो कॉमा यहाँ पर हम आएंगे, अब आगे क्या, ये तो यूजर नेम के लिए हो गया, अब यहाँ पे लगाना आपको एंड आपका जो पासवर्ड होगा इज इक्वल टू, ये कहाँ से आ रहा है, फिर से आपको यहाँ पे लगाना है सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन एंड डबल प्लस। तो दिस इज सिंगल कोटेशन, सॉरी ओके, दिस इज सिंगल कोटेशन, इसके अंदर डबल कोटेशन और इसके अंदर डबल प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर आपको लगाना है पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ओके। तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट इसका जो टेक्स्ट, ओके। तो ये इस तरीके से आपने जो वैल्यू है वो वैल्यू इस कंट्रोल से आएगी, तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू तो हमारा, हमारी जो क्वेरी है ये बन चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। अब अगला जो काम है, हमें यहाँ पे लॉगिन करने के लिए देखिए दो तरीके हैं, पहला जो तरीका है, अच्छा तो पहले हम करेंगे इसे एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर से। तो यहाँ पर आप आएंगे मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल में हमने एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर भी डी ए नाम से क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है डी ए इज इक्वल टू न्यू ओले डी बी डेटा एडॉप्टर, और इसको हम क्या देंगे, जो हमारा सी एम डी ऑब्जेक्ट है इसे हम पास कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले तो जो वैल्यू होगी डेटाबेस से उसको लिखना है, हमें पहले जो वैल्यू है उसे हम डेटाबेस से निकालेंगे और डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में रखेंगे। तो उसके लिए हमें डेटा एडॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डेटा सेट में जो वैल्यू हम रखेंगे वो डेटा सेट के थ्रू रखेंगे, डेटा एडॉप्टर के थ्रू रखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें बनाना है डेटा सेट, तो ये हमने डेटा सेट यहाँ भी बना रखा है डी एस नाम से, तो इसी को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका डेटा सेट, तो डी एस इज इक्वल टू आपको लिखना है न्यू, क्या है ये है डेटा डॉट डेटा सेट, ओके। अब यहां पर हमें क्या करना है, डी ए डॉट यहां पर होगा एक मेथड फिल मेथड, और इस मेथड के थ्रू हम जो डी एस है इसमें वैल्यू को हम यहां पे सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब आपने क्या किया कि डेटा एडॉप्टर का जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन सी एम डी के पास से वो आपने इसे दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करके सारा का सारा डेटा अपने पास लाएगा और वहाँ से वो डेटा सेट में यहाँ पे उसे फिल कर देगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बनाते वेरिएबल, मैंने बना डिम आई एज इंटीजर, ये बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा आई है तो यहाँ पर लिखते हैं आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी एस डॉट, डी एस यानी डेटा सेट,
और डॉट के बाद यहाँ पे लगाएंगे टेबल्स। तो मान लीजिए टेबल का है, एक ही टेबल है, तो एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट ज़ीरो, ठीक है, डॉट, इसका क्या होगा, रोज, ठीक है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होगा तो मल्टीपल रो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर रिकॉर्ड होगा तब तो मिलेगा, मान लीजिए एक रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो भी यूजर ने आपने पासवर्ड एंटर किया, अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल है तो एक रो आपको मिलेगी, अगर नहीं अवेलेबल है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टेबल डॉट रो डॉट काउंट एक मेथड है जो कि नंबर ऑफ रो को काउंट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर, जब ये कोड रन होगा तो काउंट क्या करेगा, इस डीएस के टेबल में से वो पर्टिकुलर रो को काउंट करेगा। अगर रो क्या होगा, एक रो होगा तो वन, जीरो रो होगा तो जीरो, मल्टीपल रो होंगे तो मल्टीपल। तो अगर रो दो हुए तो आई की वैल्यू कितनी होगी, दो होगी, ठीक है, एक हुआ तो एक होगी। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। मैंने क्या, इफ़ अगर जो आपका आई है, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आई की वैल्यू ज़ीरो हो गई तब हमें क्या करना है, तब हमें यहाँ पे मैसेज बॉक्स में एक यहाँ पे मैसेज दे देना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो ओके। तो एक मैसेज क्या देना है हमें, कि लॉगिन आपका फेल हो गया, ऐसा कुछ, तो दे देते हैं लॉगिन फेल और इंटर वैलिड आईडी एंड पासवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने एक मैसेज दे दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आपको जो स्टाइल है मैसेज बॉक्स, स्टाइल क्या होगा, वेट, यहाँ पर आपको लिखना है MSG मैसेज बॉक्स डॉट और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैसेज बॉक्स जो स्टाइल होगा वो हम दे देते हैं क्रिटिकल, इस तरीके से मैंने इसे दे दिया और इसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये तो तब होगा जब आई की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि अगर यहाँ पे जो आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है वो है ही नहीं, तो ज़ीरो, तब आपको एक मैसेज मिल गया। अच्छा, अगर वो होगा, होगा तब क्या होगा, तो इसका फिर से यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, एक इफ़ था तो इफ़ का हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इल्स इफ़, ये बनाया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, सपोज कीजिए कि आपने यहां पे एक कोई टेक्स्ट बॉक्स, यहां पे सपोज कीजिए कि कभी होता ऐसा है कि आपको ये भी चेक करना होता है कि बंदा एडमिन है, यूजर है, क्या है, ठीक है। अगर आपको ये भी चेक करना होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, तो चलो अभी के लिए मैं एक ऐसे ही बना देता हूं। तो ये कम्बो बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये कम्बो बॉक्स यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इस कम्बो बॉक्स में मैं डेटाबेस वैल्यू वैल्यू नहीं ले रहा हूँ अभी, बस ऐसे ही यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया, आप यहाँ से सेलेक्ट करो, पहला हो गया एडमिन और दूसरा हो गया यहाँ पर आपका यूज़र, ठीक है, ये दो वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया ऐसे। और अगर ये डेटाबेस से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ पे टेबल में, जो जो आपका टेबल है लॉगिन का, उसमें आपको एक कॉलम और क्रिएट करना होगा यूज़र टाइप के नाम से। तो आप लॉगिन करो और ये भी चेक करो बंदा यूज़र है या एडमिन है, अगर वो एडमिन है तो उसे एडमिन वाला होम पेज दो, अगर वो यूज़र है तो उसे यूज़र वाला होम पेज दो। तो मान लो ये मेरे पास एक कम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे ले रखा है, दिस इज़ अ कम्बो बॉक्स वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो मान लीजिए ये तो आ गया आपका इल्स इफ। इल्स इफ में क्या करते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया कि जो हमारा कम्बो बॉक्स वन डॉट इसका जो सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, अगर सेलेक्टेड आइटम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, अगर इसकी वैल्यू हो जाएगी एडमिन, सपोज करो इसकी वैल्यू हो गई एडमिन, तो हमें क्या करना है, एक हमारे पास मान लीजिए एक एडमिन नाम से कोई फॉर्म है, एडमिन डॉट, उस फॉर्म को हम क्या करेंगे, शो कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। एडमिन फॉर्म नहीं है इस वजह से एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे कम्बो बॉक्स जो है आपका, इस कम्बो बॉक्स में आपने एडमिन की जगह यूजर सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये फिर से आपको यहाँ पे लिखना है इल्स, फिर से आप लिखोगे इल्स इफ ओके, फिर
फिर से आपने लिखा यहाँ पे एल सिप, यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर से आपको कंट्रोल का नाम देना है कॉम्बो बॉक्स वन डॉट, इसका जो सेलेक्टेड आइटम होगा वो आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए ये क्या है, यूज़र है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपके पास एक यूज़र नाम से कोई फॉर्म होगा, तो यूज़र डॉट, ओके इट्स यूज़र डॉट, चलिए इसका नाम दे देते हैं यूज़र, मीनू डॉट शो, इस तरीके से मैंने एक नाम दे दिया फॉर्म का, ठीक। तो आपको ये वाला फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसे हम कर लेते हैं सेव। तो सबसे पहले हम दो फॉर्म यहाँ पे ऐड करेंगे, एक एडमिन नाम से और एक यूज़र मीनू नाम से, इस तरीके से मैंने बना लेते हैं। तो एक ऐसे ही फॉर्म, ये जो फॉर्म हम ऐड कर रहे हैं दोनों, इस फॉर्म को बस ऐसे डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, बाद में फिर हम इसे डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और इस फॉर्म का जो नाम होगा वो मैं यहाँ पे देता हूँ यूज़र मीनू। तो पहला फॉर्म हमारा हो गया, ठीक है। और एक फॉर्म और ऐड करेंगे जिसका नाम होगा एडमिन करके, तो दिस इज़ फॉर्म टू, और इसका जो नाम होगा ये आपका हो जाएगा एडमिन, ठीक है, एडमिन। तो हम चलेंगे लॉगिन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एडमिन क्या है, ओके दिस इज द कैपिटल है, ओके तो एडमिन और यूज़र, यहाँ से आपका एरर जो है वो हट गया। तो चलिए इसे एक बार रन करते हैं, तो कोड यहाँ पर लॉगिन का हो चुका है, इसे मैंने किया रन, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एडमिन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देना है आपको, कोडर, और जो यूज़र नेम है ये हो गया, पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने एडमिन सेलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एडमिन वाले होम पेज पर जाना है, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, अब ये देख सकते हैं जो एडमिन वाला आपने फॉर्म क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। तो अभी के लिए मान लीजिए सेम यही बंदा है, अब यहाँ पे बस मैं इसका टाइप चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एक मिनट, अब यहाँ पे ये एरर आ गया ना, ठीक है। इसे मैं फिर से फ्रेश यहाँ पर रन करता हूँ, इसे फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इस बार यूज़र, और इस बार फिर से वही आपको देना है कोडर, और 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने, तो इस बार क्या हो गया, यूज़र वाला आपको यहाँ पे जो फॉर्म है वो मिल गया। तो चलिए इस बार मैं करता हूँ एडमिन, और यहाँ पर इस बार जो होगा वो हो जाएगा आपका एडमिन 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द कनेक्शन जो है आपका वो तो ओपन ही है, ठीक है। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन ओपन करिए, आपका काम हुआ, फिर कनेक्शन को आपको क्या करना है, क्लोज करना है, ये भी तो करना है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहीं पर अपना जो कनेक्शन है इसे हम क्लोज कर देते हैं, तो लिखा मैंने कॉन डॉट, इसे क्या करेंगे, क्लोज कर दिया, इसे हम कर लेते हैं सेव, ठीक है। और आप कनेक्शन को जितनी बार चाहो उतनी बार ही क्लोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ये इसे मैंने कॉपी कर लिया, और मान लीजिए ये नहीं काम करेगा तो ये काम करेगा, और ये नहीं काम करेगा तो एल सिप के बाहर आके यहाँ पे मार दीजिए, है फिलहाल एक की ज़रूरत है, मल्टीपल आप ऐसे ही लिख देते हो, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कोडर 1 2 3 4 5, यहाँ से ले लेते हैं एडमिन, तो एडमिन वाले फॉर्म पे आ गए, चलो ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, यूज़र ले लिया, तो यूज़र वाला फॉर्म पे आ गया, ठीक है, कनेक्शन जो आपका था वो सॉल्व हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे कि जब आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसी डेटाबेस में आपने एक कॉलम भी बना दिया, तो यूज़र नेम क्या है, कोडर, पासवर्ड 1 2 3 4 5, और उसका यूज़र टाइप क्या है, वो यूज़र है या एडमिन है, तो आपने दे दिया यूज़र है, ठीक है। तो ये डेटाबेस से भी हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंट्रोल में, अच्छा यार, डेटाबेस से भी बनाना पड़ता ना, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो दिखाने के लिए, ठीक है, ये तो दिखाने के पर्पज से था। तो एक तरीका तो ये है, मान अभी के लिए मान लीजिए ये काम चला हुआ है, तो मैंने यहाँ से कम्बो बॉक्स को हटा दिया, ठीक है, तो कम्बो बॉक्स को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब लॉगिन पे आ जाते हैं, तो लॉगिन का जो कोड आप देख रहे हो पूरा यहाँ से यहाँ तक का, अब इस पूरे कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने किया, यहाँ पर मैंने किया डेटा अडॉप्टर की यूज़ से, ठीक है, तो इससे भी हो गया। तो अब हम इस सारे कोड को हटा देते हैं, अब इस बार क्या करेंगे, यहाँ तक ये पूरा कोड मैंने हटा दिया, ठीक। अब एक दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें कि थोड़ा सा जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड हो वो थोड़ा सा कम हो जाए, वो हम कैसे करेंगे।
तो वो भी एक सिंपल सी सिंपल सा उसमें भी तरीका है। तो सारा जो जो टास्क मैंने अभी किया था वही सेम टास्क उसमें भी हमें यहाँ पे करना है। तो गाइस जो हमारा दूसरा मेथड है लॉगिन का, तो वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं उन्हें वैलिडेट करना है। तो पहला है यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट, इसका जो टेक्स्ट होगा अगर ये क्या होगा, अगर ये इम्पटी हो तो एक ही लाइन में लिख देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे आपको लिखना है देन, देन के बाद आपको क्या लिखना है आपका जो यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है कोलोन, कोलोन के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको एग्जिट सब, ये आपने लिख दिया। अब फिर इसी तरह से दूसरे का कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मैंने लिखा है कि अगर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स इम्पटी होगा तब आपको क्या करना है, तब आपका जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होगा तो फोकस कंट्रोल कर्सर जो होगा उसका फोकस वहाँ पे आ जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्रोल पे, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं एग्जिट, और यही उसके बाद यहाँ पे कंडीशन जो है रुक जाएगा सब। बस इस दो लाइन में आपने क्या किया, अपना जो कंट्रोल है उसे आपने वैलिडेट कर लिया। इसे हम यहाँ पे एक बार रन करेंगे। ओके, अभी दोनों खाली हैं, क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी मैंने यूज़र नेम यहाँ पे इंटर कर दिया, ओके पे क्लिक किया तो क्या हो गया, यूज़र नेम में तो वैल्यू है पर पासवर्ड में वैल्यू नहीं है। कर्सर कहाँ है, कर्सर जहाँ होगा समझो वो वाला कंट्रोल जो है वो इम्पटी है। तो इसमें भी मैंने अब की बार मैंने इसमें वैल्यू इंटर कर दिया और यूज़र नेम को इम्पटी कर दिया, ठीक है। और कर्सर मेरा यहाँ पर है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कंडीशन चेक हुआ और कर्सर कहाँ गया, फोकस उसका यूज़र नेम पर गया। तो यूज़र नेम अभी दोनों में मैंने वैल्यू इंटर कर दिया, अब ओके पे क्लिक किया तो वैल्यू तो दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने कंडीशन चेक कर लिया। अब आगे चलें, तो आगे हमें क्या करना है, फिर से आपने जो कनेक्शन है आपको वो ओपन करना है, कॉन डॉट ओपन, ठीक है। ये अच्छा, ज़रूरी नहीं कि कनेक्शन को आप पहले ओपन कर लो। देखो जब डेटाबेस में ऑपरेशन आपको एग्जीक्यूट करना हो उससे पहले आप अपना कनेक्शन ओपन करो, देन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करो, क्वेरी एग्जीक्यूट करो और फिर उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दो। तो चलो अभी नहीं ओपन करते हैं, ठीक है, अभी ओपन नहीं करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें बनाएंगे सी एम डी का, तो का ऑब्जेक्ट जो है क्या लिखेंगे, सी एम डी इज इक्वल टू आपको लिखना है न्यू ओ ले डी बी कमांड, आपने ये लिखा। इस ओ ले डी बी कमांड में दो चीज़ हमेशा हम पास करते हैं, पहला होता है क्वेरी और दूसरा होता है आपका कनेक्शन, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, उस वेरिएबल में पूरा क्वेरी लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं वो यहाँ पे वो वेरिएबल जो कि क्वेरी को लिए हुए है वो और कनेक्शन, ये दो चीज़ पास करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ज़्यादा लिखने से अच्छा है ना कि हम अपना जो क्वेरी है वो यहीं पर लिख देते हैं। तो क्वेरी क्या है, फिर से वही क्वेरी है आपकी सेलेक्ट वाली, तो ये हो गया आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आपका है लॉग इन, कंडीशन दीजिए वेयर, वेयर क्या है हमारा यूज़र नेम, तो आपने लिखा यहाँ पे यूज़र नेम इज इक्वल टू कंट्रोल का नाम सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन एंड डबल प्लस, इसके अंदर आपको लिखना है यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसके बाद आपको देना है एंड, और जो दूसरा है वो है आपका पासवर्ड, पासवर्ड की जो वैल्यू होगी सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन एंड डबल प्लस, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लिखना है यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट आपको देना है यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इसे क्रिएट कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है आपका जो डी आर है, तो अब हम यहाँ पे कनेक्शन ओपन कर लेते हैं, तो कॉन डॉट ओपन, चलो भाई ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मॉड्यूल आप चेक करो, तो मॉड्यूल में हमने क्या बनाया है, मैंने बनाया है स्ट्रिंग। अच्छा बेसिकली ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाया था किस लिए बनाया था मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लॉगिन पे आओ, यहाँ पे तो जो आपने ये जो क्वेरी आपने यहाँ पे लिखा है ना, इसी क्वेरी को हम चाहते तो यहाँ पर आ जाते हैं एस टी आर जो मैंने बनाया था, एस टी आर इज इक्वल टू ये पूरी क्वेरी हम इसी पे यहाँ पे रख देते, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक ये मैंने इसे कट कर लिया। अब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है मैंने यहाँ एस टी आर में रख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है एस टी आर, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है,
आप ये भी कर सकते हो, या तो आप एस टी आर यहाँ यूज करो, या तो एस टी आर की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, अब आगे चले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कनेक्शन। चलो ठीक है, कनेक्शन तो है। अब यहाँ पर आपको बनाना है जो आपका डी आर, डी आर आपने बनाया नहीं बनाया, तो क्या लिखेंगे हम, डिम डी आर एज, ये क्या है, ओले डी बी डेटा रीडर। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा रीडर का यूज कर रहे हैं। डेटा रीडर को हम क्या देंगे, सी एम डी डॉट, सी एम डी का एक यहाँ पर देखिए क्या है, एक मेथड है, इसका नाम है एग्जीक्यूट रीडर। तो ये दिया मैंने एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर जब रन होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ आएगा, डी आर ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डी आर डॉट क्या है, हैश रो, मतलब अगर कोई रो रिटर्न करेगा डी आर, तो अगर रो होगा तो इफ़ कंडीशन में है, हैज़ रो, रो होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर होगा तो क्या कर देंगे भैया, कनेक्शन को क्लोज कर दो, कनेक्शन का काम खत्म। फिर क्या करना है, मी डॉट हाइड कर दो, ठीक है, मतलब जो भी लॉगिन वाला फॉर्म है उसे हाइड कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आपको ओपन करना है एम डी आई पेरेंट वाला। तो आप एक ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, माई डॉट फॉर्म डॉट, फॉर्म्स का नाम क्या है, एम डी आई पेरेंट वन डॉट, क्या करना है हमें, शो करना है। इस तरीके से आपने इसे शो कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास है इल्स, इल्स में आएंगे, एक मैसेज बॉक्स लगाएंगे, और इस मैसेज बॉक्स में आप कोई भी, एक मिनट, यहाँ पे आप कोई भी एक मैसेज आप दे देंगे, और मैसेज कैसा रहेगा, क्रिटिकल रहेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई बटन वगैरह देना है तो एम एस सी बॉक्स स्टाइल डॉट क्या है, ओके बटन, ठीक है, ओके बटन आपने इस तरीके से दे दिया। और यहाँ पर आप दे देंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, मैच नहीं कर रहा, तो यूज़र आईडी एंड आपका जो पासवर्ड है ये क्या है, नॉट मैच। इस तरीके से आपने एक मैसेज दे दिया। अब हम इसे कर लेते हैं सेव, ठीक है। तो एक तरीका ये है, अब इसे हमने रन किया तो एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया बंदे का नाम कोडर, पासवर्ड 1 2 3 4 5, ओके। तो हम लॉगिन कर चुके हैं, तो हमारे पास ये जो एम डी आई पेरेंट है ये यहाँ पर आपका, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके मेनू, ये इसका मेनू, ठीक है, सेल में ये आपका एग्जिट बटन, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म आ गया। अब मैं चाहता हूँ ना, ये जो एग्जिट पर जब मैं क्लिक करूँ तो पहले मुझसे पूछे डू यू वॉन्ट टू क्लोज, ठीक है। अगर आप यस पे क्लिक करो तो क्लोज करे, नो नो पे क्लिक करो तो क्लोज ना करे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आ गया, ओपन करते हैं अपना एम डी आई फॉर्म, ये आ गया। एग्जिट पे हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो एग्जिट पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हम बनाएंगे डिम और रिजल्ट करते हैं, एक वेरिएबल बना लिया आर एस नाम से, एज क्या होगा, ये होगा आपका आई एन टीजर टाइप का, ठीक है, डिम आर ई एस, यानी कि आपका रिजल्ट हो गया एज इन टीजर। और इसमें जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे एम एस जी बॉक्स, मैसेज बॉक्स, और इस मैसेज बॉक्स में आपको क्या देना है, एक मैसेज देना है कि डू यू रियली इट्स वॉन्ट टू लॉग आउट, ठीक है। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं, टू लॉग आउट द एप्लीकेशन, इट्स ए डबल पी एप्लीकेशन, ओके। तो ये मैंने एक मैसेज दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे, आस्क कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्या देंगे, अब यहाँ पर हम देंगे मैसेज बॉक्स स्टाइल जो होगा ना, तो यहाँ पर आपके पास एक बटन है जो कि है यस या नो करके, ठीक है, मैसेज बॉक्स स्टाइल डॉट यस या नो। तो आपके पास आपके मैसेज बॉक्स में दो बटन आएंगे, एक यस का और एक नो का, ठीक है। तो ये हो गया, इसे एक बार हम सेव कर लेते हैं। चलिए इसे मैंने सेव कर दिया, जरा सा इसे रन कीजिए। तो पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन किया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सिर्फ मैसेज बॉक्स आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू लॉग आउट यस या नो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके आगे आपने कोड लिखा ही नहीं, मैंने लिखा है जब इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए। तो चलो ये मैसेज बॉक्स तो आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। मैसेज बॉक्स आ जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है,
तो मैंने लिखा इफ जो आर ई एस है आपका, अगर इसकी जो वैल्यू होगी तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है जो मैसेज बॉक्स ओपन होके आ रहा था आपको, वहाँ पे दो बटन दिख रहे थे यस या नो करके, तो वो एक तरह का डायलॉग्स है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे डायलॉग रिजल्ट बोलते हैं उसे, डायलॉग रिजल्ट डॉट नो। अगर वहाँ पे यस बटन पे क्लिक करोगे और चाहते हो कि जब मैं यस पे क्लिक करूँ तो उसकी वैल्यू मैं रिसीव करूँ, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डायलॉग रिजल्ट डॉट नो। अगर आपने नो पे क्लिक किया हुआ है, नो पे क्लिक किया तो उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कुछ ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको सिंपली दूसरा जो कंडीशन है उस पर आना है। इस पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे आर ई एस इज इक्वल टू, फिर से आपको लिखना है डायलॉग रिजल्ट डॉट, अगर आपने इसे यस पे क्लिक किया हुआ है तो। जब आप यस पे क्लिक करोगे तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो आपका लॉग इन फॉर्म है ना, इट्स लॉग इन फॉर्म वन, तो लॉग इन फॉर्म आपके सामने आ जाए डॉट शो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मी डॉट हाइड, मी डॉट हाइड कर देना आपको, ठीक है। तो आपने ये क्लिक किया, अच्छा तो चलिए इस बार हमने इसे फिर से किया रन। तो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5, अच्छा पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, चलिए तो ये पासवर्ड क्या था इसका, था 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा कनेक्शन ना, कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, कनेक्शन कहीं ओपन रह गया, कोई बात नहीं, कनेक्शन आपने कहाँ क्लोज़ नहीं किया, तो कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, एक कनेक्शन यहाँ पे भी क्लोज करो, तो कॉन डॉट क्लोज, ठीक है, यहाँ पे आपने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब चाहो तो मैं यहाँ कर देते ना, यहाँ आते हैं, सबसे पहले क्या, जब आप क्लिक करो तो कॉन डॉट क्लोज हो जाए, सबसे पहले कनेक्शन ओपन है उससे मतलब नहीं है, पहले क्या हो क्लिक क्लोज हो जाए, कनेक्शन खुला भी हो तो क्या हो, पहले कनेक्शन क्लोज हो फिर बाद में सब तामझाम हो फिर कनेक्शन ओपन हो, ठीक है, इस तरीके से। तो अब सेव किया मैंने, हाँ तो लिखा मैंने कोडर, बाप अरे यार कोडर 1 2 3 4 5 पासवर्ड, और ये आ गया, यहाँ पर कह रहा है डू यू वॉन्ट एग्जिट, लॉग आउट करना चाहते हो, मैंने कहा नो, नो पे तो कोई तो कुछ होना ही नहीं है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना, क्योंकि इफ़ वाले सेक्शन में मैंने पहले नो के किया था। अच्छा अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो गया आपका, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म फिर से यहाँ पर आ गया। अच्छा इसका एक काम हमें यहाँ पे करना है, क्या करना है मुझे, एक मिनट, जब मैं लॉग इन करूँ, लॉग इन में कहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ओके, तो एम डी आई पेरेंट मी डॉट हाइड है ना, अच्छा मी डॉट हाइड, मी डॉट कर क्लोज करूँ मैं इसे, मी डॉट क्लोज, तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखा मी डॉट क्लोज, इस तरीके से मैंने इसे किया मी डॉट क्लोज। अब ज़रा सा करते हैं कि पहले वो फॉर्म लॉगिन वाला फॉर्म जो है ना वो बंद हो जाए, तो एक बार इसे मैंने किया कोडर 1 2 3 4 5, ये आ गया, तो लॉगिन वाला फॉर्म, हाँ अभी सही है, लॉगिन वाला फॉर्म हो गया बंद। अब जब मैं यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करूँगा तो मैंने कहा हाँ मैं इसे एग्जिट करना चाहता हूँ, तो यस पे क्लिक किया तो लॉगिन फॉर्म आ गया। तो जब लॉगिन फॉर्म लोड होगा तो आपको क्या होगा, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स ये सब क्या ब्लैंक होंगे, और आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे आपने वैल्यू इंटर की ही नहीं। तो गाइज़ ये एक था छोटा सा फंडा लॉग आउट का, लॉग इन का, और यहाँ पे एक होता है जैसे कि अभी तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये तो बेसिक है, पर यहाँ पर अगर आपको बनाना हो, क्या बोलते हैं उसे, पैरामीटर बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे पैरामीटर, तो ठीक है पैरामीटर का भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए पैरामीटर का कैसे करना है हमें, ठीक है, तो ये जो हमारी क्वेरी है ना अभी के लिए मान लीजिए, ये जो हमारी क्वेरी है
तो अगर आपको यही सारा चीज़ पैरामीटर से करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो पैरामीटर के लिए यहाँ पे तो ये जो आप कोड देख रहे हो, पहले इन सारे के सारे जो कोड हैं इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने इन्हें कर दिया कमेंट, ठीक है? इन सारे कोड को आपको कमेंट कर देना है, तो इन्हें कमेंट कर दिया। तो यहाँ से हम चेक करेंगे पहले तो कि कंट्रोल में वैल्यू है या नहीं। तो यहाँ पर हम जो पैरामीटर कैसे कैसे हम लॉगिन करेंगे वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सी एम डी इज इक्वल टू, आपको दे देना है ओ ले डी बी, ठीक है? एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट, ओ ले डी बी कमांड, कैसा कमांड, न्यू होगा ना यहाँ पे, क्या लिखना है आपको, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू ओ ले डी बी कमांड। और यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है क्वेरी। तो क्वेरी क्या है आपकी, तो ये जो आप क्वेरी देख रहे हो ये आपको क्वेरी कॉपी कर लेना है, जो आपने क्वेरी अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था। तो ये पूरा का पूरा क्वेरी आपको यहाँ से एक्चुअली आपको यहीं तक कॉपी करना है, ठीक है? यहाँ तक आप कॉपी कर लो। चलो ये मैंने किया कॉपी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग इन, वेयर यूज़र नेम जो आएगा कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आपको देना है एट द रेट, ये आपने लिख दिया यूज़र नेम, ठीक है? एंड जो आपका पासवर्ड होगा वो कहाँ से आएगा, पासवर्ड इज इक्वल टू एट द रेट, ये भी आ रहा है कहाँ से, पासवर्ड से आ रहा है पासवर्ड, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अपना जो क्वेरी था आपने क्वेरी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेरी के बाद आपको क्या देना है, कनेक्शन देना है, तो कॉमा के बाद आपको देना है यहाँ पे कौन, ये हो गया आपका कनेक्शन। तो अभी तो मैंने ये चीज़ तो बताई नहीं कि जो यूज़र नेम है वो वैल्यू आ कहाँ से रही है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है डिम, डिम के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए अभी क्रिएट करते हैं U1, ठीक है? या फिर यू पैरामीटर, ठीक है? यूपी का मतलब हो गया कि भाई, चलो अच्छा मैं लिख देता हूँ, इट्स यू परम यानी पैरामीटर एज न्यू, क्या है ये, ओले डी बी डॉट, ओले डी बी क्या है, पैरामीटर है ना, ओले डी बी पैरामीटर, हमने लगाया एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, पहले तो डबल कोटेशन, और इस डबल कोटेशन में आपको लिखना है एट द रेट आपने जो पैरामीटर बनाया है यूज़र नेम नाम से, ठीक है? तो यूज़र नेम, अच्छा ये जो यूज़र नेम है, यहाँ पर आएंगे कॉमा लगाएंगे, तो यूज़र नेम क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है कहाँ से आ रही वैल्यू इसमें, तो भाई मी डॉट वैल्यू आ रही है यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। तो यहाँ से क्या आ रही है इसकी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है, तो दिस इज़ नंबर वन। जो दूसरा है वो क्या है, वो है आपका, फिर से हम क्रिएट करेंगे डिम, दिस इज पासवर्ड, तो पास परम, ठीक है, एज न्यू ओले डी बी डॉट ओले डी बी पैरामीटर, तो हम पैरामीटर क्रिएट कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट लगाएंगे सेम इसी तरीके से, फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको एट द रेट पैरामीटर का नाम, तो पासवर्ड, कॉमा लगाएंगे, फिर आपको लिखना है मी डॉट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो ये आपने दो पैरामीटर यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बाद हमें इन्हें ऐड भी करना होगा, तो क्या लिखेंगे सी एम डी डॉट, तो ये आपका पैरामीटर का नाम क्या है, जो नाम होगा आपको उस नाम को यहाँ पे याद रखना होगा, तो आपको लिखना है डॉट के बाद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के बाद डॉट, आपको यहाँ पे क्या करना है पैरामीटर को ऐड करना है, ठीक है? तो एक ऐड मेथड होगा, अच्छा ऐड तो करना है, कौन सा पैरामीटर ऐड करना है, ब्रैकेट में आपको पहले तो हमें देना है यूपी परम नाम से जो मैंने बनाया था पहला, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को फिर से दोहराएंगे, तो सी एम डी ये तो यूजर नेम के लिए हो गया, अब क्या करना है ये डॉट हमें ऐड करना है, अब की बार किसे ऐड करना है, अब की बार ऐड करना है पासवर्ड परम को, तो ये दोनों पैरामीटर हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर क्या लिखेंगे हम सी एम डी डॉट, अब कनेक्शन भी इसे देना होगा, तो सी एम डी डॉट क्या लिखना है यहाँ पे, कनेक्शन इज इक्वल टू क्या है, कनेक्शन कौन है, और फिर आपको यहाँ पे कनेक्शन को ओपन भी करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऐसे वेट सी एम डी डॉट कनेक्शन डॉट ओपन, ठीक है? तो ये आपने कनेक्शन को ओपन कर दिया, तो इसे हम कर लेते हैं सेव, अभी के लिए मैंने इसे कर लिया सेव। अच्छा यहाँ तक ये सारा तामझाम हो गया, अब जब ये हो जाएगा तो बस आपको क्या करना है, आपको फिर से यही ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ये पूरा कोड आपको कर लेना है कॉपी, ये किया मैंने कॉपी, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है,
यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये आपको यहाँ से ये जो कमेंट किया था ये आपको ये हटा देना है। बस ये आपका यहाँ पे सेट हो गया। अब ज़रा सा इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे करूँगा रन, तो एक बार रन करते हैं इसे, देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। तो यहाँ पे दिया मैंने कोडर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया, तो आपका जो MDI पेरेंट वाला फॉर्म था, होम पेज जो था, वो यहाँ पे आपको आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हो। ओके तो गाइज़ आई होप कि आपको लॉगिन का जो तरीका है वो पता चल गया होगा कि किस तरीके से करना है पैरामीटर के साथ, किस तरह से करना है विदाउट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। तो अगर आपको याद होगा मैंने दो फॉर्म यहाँ पर ऐड किया था एडमिन, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे डिलीट कर देंगे। तो एडमिन को डिलीट कर दिया, और फिर एक और किया था मैंने यूज़र मीनू नाम से, इसे भी आपको डिलीट कर दो, ये तो समझाने के लिए मैंने यूज़ किया था। ओके तो भाई कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा 2 एक दिन में, जिसमें कि फिर हम काम करेंगे यहाँ पे कस्टमर के ऊपर, फिर ऐड कस्टमर कैसे ऐड करना है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसे मैं अच्छे से बनाएंगे, और आप इस वीडियो के थ्रू आप आसानी से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।